सब्सक्राइब करें हिंदी न्यूज चैनल को और सबसे पहले न्यूज पाने के लिए घंटी को जरूर दबाएं। ये बिल्कुल मारुति एस क्रॉस पेट्रोल BS6 को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया गया है। मारुति एस क्रॉस को पेट्रोल इंजन के साथ भारत में लॉन्च किया गया है दोस्तों, तथा इसकी भारत में बिक्री मार्च 2020 के अंत में शुरू होने वाली है। नए मारुति एस क्रॉस SUV को पहली बार 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च किया गया है। इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स विकल्प देखने का मिलने वाला है। ये पेट्रोल इंजन 104 bhp का पावर और 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क उत्पादन करवाने में सक्षम है। कंपनी ने इसके 1.3 लीटर डीजल इंजन को बंद करने की संभावना है। इससे पहले एस क्रॉस सिर्फ डीजल के विकल्प में ही उपलब्ध थी। मारुति एस क्रॉस में आपको सुजुकी का माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम सिर्फ पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ ही उपलब्ध कराया जाएगा, तथा सीएज और अर्टिगा और XL6 SUV की तरह पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट में नहीं लाया जाएगा। मारुति एस क्रॉस को किसी भी तरह के कॉस्मेटिक अपडेट के साथ नहीं लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने इसे 3 साल पहले नए डिज़ाइन के साथ फ्रेश लुक दिया था, लेकिन अभी कोई बदलाव नहीं किए जाने की संभावना दिखाई दे रही है। डीजल के मुकाबले पेट्रोल BS6 मॉडल होने की वजह से मारुति एस क्रॉस के नए मॉडल की कीमत में थोड़ी सी कमी आ सकती है। कंपनी इसे मार्च में अंत में लॉन्च करने वाली है। कंपनी इसकी बुकिंग अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर लेना शुरू कर दिया है। मारुति एस क्रॉस SUV को भारतीय बाजार में टाटा नेक्सन, फोर्ड इकोस्पोर्ट और भी अन्य शानदार एस क्रॉस ऑफ रोडिंग SUV जैसे मॉडलों को टक्कर देती नजर आएगी। अब पेट्रोल इंजन में उपलब्ध होने की वजह से इसकी बिक्री में बढ़त की उम्मीद की जा रही है। तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। आपको ये मारुति के एस क्रॉस का नया वर्जन कैसा लगा? क्या आप इसको खरीदना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो बिना लाइक करे इस वीडियो को मत जाएगा। आज के वीडियो का टारगेट रखते हैं 900 लाइक का। जल्दी से 900 लाइक के टारगेट को पूरा करें। हमारे चैनल हिंदी न्यूज़ को सपोर्ट करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हिंदी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।